Which is the most important auxiliary machines present on board ships? The answer is Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Institute of Marine Engineering Lectures. आज की इस लेक्चर से हम प्यूरिफायर स्टार्ट करेंगे, जो हमारी मरीन ऑयल प्यूरिफायर होती है वो हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जो आज की जो फर्स्ट लेक्चर्स होगी वो मैं आज आपको बेसिक्स एप्लीकेशंस बताऊंगा प्यूरिफायर की, प्यूरिफायर क्या होती है, प्यूरिफायर क्यों यूज होती है शिप्स पे, एंड प्यूरिफायर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आज हम बस इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होगी प्यूरिफायर की, जो नेक्स्ट 5 to 6 लेक्चर्स होगी हमारे प्यूरिफायर की, लेक्चर्स टोटल 6 to 7 लेक्चर्स होने वाली है। तो जो हमारी नेक्स्ट 5 to 6 लेक्चर्स होने वाली है उस लेक्चर्स में, जो हमारी अपकमिंग लेक्चर्स होगी वहां पर मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन डिटेल्स बताऊंगा, मैं अच्छे एग्जांपल्स दूंगा लाइक अल्फा लेवल प्यूरिफायर के बारे में बताऊंगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट ट्रबल शूटिंग्स के बारे में बात करेंगे, एंड विद डिफरेंट इंटरेस्टिंग्स जो हमारी MMD ओरल्स, जो हमारी मरीन इंजीनियरिंग TME इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्यूरिफायर को लेकर, उन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप ये 6 to 7 वीडियोस अगर आप ये देखते हो तो आपकी प्यूरिफायर जो होगी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी प्यूरिफायर की कॉन्सेप्ट। सो आज की जो हमारी लेक्चर्स है वो आज हमारी बेसिक्स लेक्चर्स होगी, मैं आपको बताऊंगा प्यूरिफायर क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, एंड उसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डिस्कस आवर लेक्चर्स। सबसे पहले हमारी प्यूरिफायर, तो प्यूरिफायर हमारी होती क्या है, प्यूरिफायर की डेफिनेशंस क्या है। जो भी हमारी फ्यूल ऑयल जो होती है, सपोज अगर मैं फ्यूल ऑयल HFO की एग्जांपल लेता हूं, तो जो भी हमारी HFO से हमारी बंकरिंग होती है और वो हमारी स्टोरेज टैंक पे स्टोर होती है, तो उस HFO ऑयल में मींस उस फ्यूल ऑयल में हमारी कुछ इंप्योरिटीज होती है, एंड दोज इंप्योरिटीज आर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। हमारी सॉलिड इंप्योरिटीज भी होती है एंड हमारी लिक्विड इंप्योरिटीज भी होती है। सॉलिड इंप्योरिटीज सच एज कैटेफाइंस विच कंसिस्ट सिलिका ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, एंड जो हमारी कैटेफाइंस होती है, जो हमारी सिलिका ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स होती है, वो हमारी पोटेंशियली डैमेज कर सकती है फ्यूल इंजेक्टर्स को एंड फ्यूल पंप्स को। एंड सेकेंड थिंग, जो हमारी लार्ज मीन्स लार्ज पार्टिकल सॉलिड्स होती है, वो हमारी जो भी लाइन्स होती है, हमारी फ्यूल ऑयल ट्रीटमेंट लाइन होती है, ओके, वहां पर क्या होती है, वो फिल्टर आउट हो जाती है, स्ट्रेन आउट हो जाती है। बट हमारी जो माइक्रोबियल सॉलिड पार्टिकल्स होती है, ओके, सच एज कैटेफाइंस, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी फ्यूल फीड लाइन, फ्यूल लाइन ट्रीटमेंट में हमारी अलोंग विद ऑल दीज कैटेफाइंस हमारी फ्यूल ऑयल लाइन ट्रीटमेंट के थ्रू हमारी कंबशन पे रीच करती है, हमारी फ्यूल इंजेक्टर एंड फ्यूल पंप को हमारी डैमेज कर सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, सॉलिड पार्टिकल्स को, जो भी हमारी सॉलिड इंप्यूरिटीज है उसे हम रिमूव करते हैं ऑयल से, ओके। तो ये हमारी मेजर रीजन होती है। एंड सेकेंड थिंग इज हमारी लिक्विड इंप्यूरिटीज, लिक्विड इंप्यूरिटीज सच एज वाटर। तो जो हमारी वाटर प्रेजेंट होती है हमारी प्यूरिफायर में, तो हमारी वाटर क्या करती है, जो भी हमारी कंप्रेशन जो होती है, मीन्स हमारी कंप्रेशन जो प्रेशर अचीव कर रही है जो हमारी मेन इंजन, वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, वो हमारी लो हो जाती है, ओके। तो इससे हमारी इफेक्टिव कंबशन हमारी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। एंड सेकेंड थिंग इज लिक्विड एज ए वाटर मीन्स वो क्या हो, इनकम्प्रेसिबल्स है, तो हमारी क्या हो सकती है, हमारी सिलेंडर लाइनर वर्न आउट हो सकती है, हमारी पिस्टन वर्न आउट हो सकती है, हमारी पिस्टन रिंग वर्न आउट हो सकती है। तो इन सभी रीजंस के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूल ऑयल लाइन ट्रीटमेंट जो होती है उसमें हम प्यूरिफायर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैं आपको लोकेशंस बताता हूँ प्यूरिफायर हमारी कहाँ होती है फ्यूल लाइन ट्रीटमेंट में। तो जो मैं अभी आपको लोकेशंस बताऊंगा वो मैं जस्ट आपको एक सिंपल लाइन डायग्राम से आपको समझाऊंगा, और जो हमारी एक्चुअल लाइन डायग्राम जो होती है प्यूरिफायर अलोंग विद ऑल फ्यूल ऑयल ट्रीटमेंट, मैं आपको लेक्चर जब सारे प्यूरिफायर 4 to 5 लेक्चर्स आप ले लूंगा, और जो हमारी लास्ट लेक्चर्स होगी उसमें आपको कंप्लीट फ्यूल ऑयल लाइन डायग्राम्स विद प्यूरिफायर मैं आपको शो करूंगा। अभी मैं आपको जस्ट लोकेशन बताने के लिए एक छोटी सी डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी हमारी बंकरिंग होती है लाइक HFO, मैं HFO कंसिडर करके चल रहा, तो हमारी कहाँ होती है, बंकर से हमारी स्टोरेज टैंक में, शिप्स की स्टोरेज टैंक होती है वहां पर वो हमारी स्टोर होती है। सपोज ये हमारी क्या है, स्टोरेज टैंक, ये जो मैंने बनाया हूं ये हमारी स्टोरेज टैंक है, ओके। और स्टोरेज टैंक की जो टेम्परेचर्स होती है वो डिपेंड करती है, जो स्टोरेज टैंक में अगर हम लोगों ने क्या किया, फ्यूल इंट्रोड्यूस किया, अब फ्यूल हमारे कितने टेम्परेचर पे डिपेंड करना, वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ फ्यूल। मैं यहाँ पर HFO कंसिडर कर रहा हूँ, हेवी फ्यूल ऑयल फॉर मेन इंजन, तो उसकी जो टेम्परेचर यहाँ मेंटेन करेंगे वो हमारी 50 to 55 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये टेम्परेचर क्यों लिमिट है 50 to 55 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज स्टोरेज टैंक में हम पोर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर सेट्स करते हैं। जो हमारी पोर पॉइंट होती है वो हमारी इंश्योर करती है, पोर पॉइंट से हम
+10 डिग्री सेल्सियस हम ज्यादा रखते हैं टेम्परेचर, क्योंकि ताकि जो हमारे फ्यूल है वो हमारे फ्लूडिक नेचर में हो या लिक्विड नेचर में हो, ताकि वो इजिली ट्रांसफर पंप के थ्रू वो ट्रांसफर हो सके, नेक्स्ट टैंक सेटलिंग टैंक वो जा सके, मीन्स हमारे फ्लूड जो है एबल टू फ्लो हो सके, इसलिए हम इसे 4 पॉइंट से +10 डिग्री सेल्सियस हम ज्यादा रखते हैं टेम्परेचर, ताकि वो इजिली ट्रांसफर पंप के थ्रू हमारी ट्रांसफर हो सके ऑयल। नाउ अब हमारी ऑयल जो होगी ये हमारी ट्रांसफर पंप के थ्रू, ये हमारी ट्रांसफर पंप के थ्रू हमारी ये सेटलिंग टैंक पे हमारी ऑयल फीड होगी। तो ये हमारी जो टैंक है ये हमारी सेटलिंग टैंक, ये हमारी सेटलिंग टैंक। और सेटलिंग टैंक की अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसकी टेम्परेचर 70 to 80 डिग्री सेल्सियस हमारी होती है सेटलिंग टैंक की टेम्परेचर। ओके और सेटलिंग टैंक की टेम्परेचर 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी कुछ ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस कुछ इम्प्यूरिटी जो होती है सॉलिड इम्प्यूरिटी हमारी यहाँ पर लोअर पार्ट में हमारी एक्युमुलेट हो जाती है। ओके नाउ अब हमारी क्या होती है, अब हमारी जो भी हमारी ऑयल है फ्यूल ऑयल है ओके वो हमारी हीटर से पास होती है, ये हमारी हीटर से पास होती है और ये हीटर जो होती है हमारी स्टीम ऑपरेटेड हीटर होती है, सम टाइम इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होती है, बट मेजोरिटी हमारी शिप्स में स्टीम ऑपरेटेड हीटर हमारी होती है और ये हमारी 3-way pneumatic वाल्व के साथ हमारी अटैच्ड होती है। तो वो मैं आपको इन सारी चीजें आपको लास्ट लेक्चर्स में आपको हर चीज बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा फ्यूल ऑयल डायग्राम विद प्यूरीफायर। ओके तो ये हमारी हीटर है, अब ये हीटर से हमारी ऑयल जो होती है ये हमारी डायरेक्ट प्यूरीफायर पे हमारी जाती है, ये हमारी प्यूरीफायर। ओके हम हमारे प्यूरीफायर से ऑयल हमारी प्यूरीफाई होती है और ये हमारी नेक्स्ट जो हमारी होती है टैंक सर्विस टैंक में हमारी जाती है, ये हमारी सर्विस टैंक है और इसे हम डेली टैंक भी इसे कहते हैं। ओके तो हम लोगों को इस लाइन डायग्राम में हमें ये पार्ट हमें ब्रीफली पढ़ाई करनी है, जो हमारी 5 to 6 लेक्चर्स होगी हमारी इसी पार्ट के बेसिस पे हमारी होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी हमारी क्या है प्यूरीफायर है, तो प्यूरीफायर के पहले हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया है हीटर। हीटर क्यों यूज किया है, क्योंकि ऐसे बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस ये होती हैं, हीटर्स क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है प्यूरीफायर से पहले। ओके और भी अपकमिंग क्वेश्चंस होगी जो टीएमई एंड एमडी और से पूछी जाती है वो सारी भी मैं डिस्कस करूंगा, और ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक्स है बट इसके आंसर सिंपल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ऑयल को हीट करने के लिए, बट एवरीवन नोज दैट हीटर है तो ऑयल को हीट करेंगे, बट स्पेसिफिकली एंड टेक्निकली एक्सेप्टेड आंसर मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। नाउ अब हम बात करेंगे जो भी हमारी ऑयल फीड हो रही है प्यूरीफायर में, लाइक जो भी हमारी यहाँ ऑयल फीड हो रही है वहां पर हमारी क्या है सॉलिड इम्प्यूरिटीज एज वेल एज लिक्विड इम्प्यूरिटीज भी है, मींस हमारी यहाँ पर लिक्विड इम्प्यूरिटीज एज वाटर प्रेजेंट है, मींस हमारी ऑयल में हमारी क्या है वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। तो उस वाटर ड्रॉपलेट्स को हम अब क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, मींस हमारी सेपरेट करने के लिए हमारी क्या होनी चाहिए सेपरेटिंग फोर्स होनी चाहिए, दैट इज Fs। तो हमारी सेपरेटिंग फोर्स होनी चाहिए दैट इज Fs इज इक्वल टू 5s6 d³ इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं अभी केस मानकर ऐसा चल रहा हूं जो हमारी सेपरेशन हो रही है वो ड्यू टू ग्रेविटी सेपरेशन हो रही है, बट एक्चुअल केस मैं बताऊंगा हम मैं जी को कैसे रिप्लेस करूंगा ओमेगा स्क्वायर आर से, उस पर हम बात करेंगे बाद में। तो जो हमारी सेपरेटिंग फोर्स हो रही है वो किसके चलते हो रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो सेपरेट हमें क्या करनी है हमें वाटर ड्रॉपलेट सेपरेट करनी है जो हमारी ऑयल में प्रेजेंट है, तो हमारी ये वाटर ड्रॉपलेट होगी, हमारी क्या है हमारी वाटर ड्रॉपलेट है और जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट है क्या है स्फेरिकल नेचर की। ओके तो हमारी यहां पर क्या फोर्सेस एक्ट होगी, फर्स्ट फोर्स जो होगी वर्टिकल फोर्स एक्ट करेगी और वो हमारी क्या होगी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मींस Fg हमारी वर्टिकल फोर्स एक्ट होगी। सेकेंड फोर्स हमारी क्या होगी बायलेंसी फोर्स एक्ट करेगी एंड थर्ड फोर्स हमारी Fd ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। नाउ तो जो हमारी Fg होगी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जो हमारी Fg होगी हमारी क्या होती है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास ऑफ व्हाट वाटर पार्टिकल्स, तो वाटर पार्टिकल्स हमारी क्या होती है मास इज इक्वल टू व्हाट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो हमारी वाटर पार्टिकल की वॉल्यूम क्या है स्फेरिकल शेप है तो 4/3 πr³, तो ये हमारी होगी 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू इनटू जी, ये हमारी Fg हो गई। अब हमारी बायंसी फोर्स हमारी क्या होगी, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है कितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कर रही है
वो हमारी क्या होगी, बायंसी होगी। मीन्स हमारी यहां पर क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू किसकी वॉल्यूम है, डिस्प्लेस कर रही है ऑयल, तो डेंसिटी ऑफ हमारी ऑयल यहां एंटर करेंगे इंटू जी। नाउ थर्ड थिंग इज ड्रैग फोर्स। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, वो एक ड्रैग फोर्स होती है और उसकी फॉर्मूला क्या होती है, 6 पाई जो हमारी ये इफिशियंसी जो सिंबल है, जो इफिशियंसी की सिंबल, ये हमारी विस्कोसिटी है ओके। एंड हमारी आर जो है हमारी रेडियस ऑफ पार्टिकल से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, एंड वीएस जो है हमारी सेपरेशन वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से जो वाटर पार्टिकल्स सेपरेट हो रही है ऑयल से, वो हमारी वीएस है ना। अब हम आएंगे हमारी इसकी एफबीडी पे, फ्री बॉडी डायग्राम, ये जो मैं बताया हूं डायग्राम, इसकी अगर हम एफबीडी, अब हम एफबीडी इसकी हम इक्वेशंस लिखेंगे। तो एफबीडी इक्वेशंस हमारी कैसे लिखी जाती है, समेशन ऑफ फोर्स हमारी क्या होगी, एफजी माइनस एफवी माइनस एफडी इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ओके। अगेन हमारी एफजी माइनस एफवी माइनस एफडी, तो मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस डीवी बाय डीटी, मींस डीवीएस बाय डीटी। अभी हमारी डीवीएस बाय डीटी वीएस है का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मींस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारी डीवीएस बाय डीटी होगी। बट फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया होगा, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी। जो भी हमारी ड्रॉपलेट्स होती है अगर वो हमारी फ्लूइड में ट्रेवल कर रही है, तो एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करती है, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी अचीव करती है, जहां उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, मींस चेंज इन वेलोसिटी उसकी मींस नेग्लिजिबल हो जाती है। जहां पर क्या होगी, हमारी डीवी हमारी जीरो हो जाएगी, तो हमारी एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी, टेंड्स टू जीरो, मींस हमारी आरएचएस साइड हमारी क्या होगी, जीरो हो गई। तो हमारी इक्वेशंस क्या बन गई, एफजी माइनस एफबी इज इक्वल टू एफडी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारी एफजी क्या थी, अब हमारी जो एफ जी थी क्या थी, 4/3 पाई आर क्यूब, हम कमल ले लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और ये हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल हो गई ओके। और ये हमारी एफ डी क्या थी, 6 पाई विस्कोसिटी वी एस इंटू आर ओके। अब हमारी अगर इस इक्वेशंस को अगर हम लिखें ओके, इस इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो 2/9 आर स्क्वायर इंटू जी बाय, ये हमारी इफिशियंसी यहां आती है, इज इक्वल टू सेपरेशन वेलोसिटी। तो अब हम ये हमारी इक्वेशंस ऑब्टेन हुई है, जो हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर बाय विस्कोसिटी इंटू जी इंटू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी बिटवीन वाटर एंड ऑयल, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, वेदर जो हमारी क्वेश्चंस ऑब्टेन हुई हमारी करेक्ट है नहीं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्मूला, ताकि आपको कुछ चीजें याद नहीं करने पड़े और आपको टेक्निकली हर चीजें क्लियर रहे। तो अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्मूला अगर लगाएं, तो जो हमारी आर है, आर की डायमेंशनल एनालिसिस हमारी एल होती है, और हमारी एल स्क्वायर हो जाएगी बाय, ये हमारी क्या है, विस्कोसिटी है ओके। विस्कोसिटी हमारी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। हमारी फोर्स की डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्मूला क्या होती है, एमएलटी पावर माइनस टू एरिया हमारी एल स्क्वायर इनटू हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज डीवी बाय डीएक्स एलटी पावर माइनस 1 बाय एल। तो उसे अगर हम सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारी एमएल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 1 हो जाएगी। ये हमारी विस्कोसिटी की डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्मूला होती है इनटू अब इनटू हमारी डेंसिटी की हमारी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एमएल पावर माइनस 3 और इनटू जी एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी दैट इज एलटी पावर माइनस 2 ओके। अगर हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारी ये क्या आ जाएगी, एलएचएस साइड की जो हमारी डायमेंशनल एनालिसिस है, वो हमारी क्या आएगी, एलटी पावर माइनस 1 और हमारी आरएचएस क्या है, वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज एलटी पावर माइनस 1 यहां पर हमारी प्रूव हो गई। तो ये हमें पता चल गया हमारी जो इक्वेशंस ऑब्टेन हुई हमारी करेक्ट। See, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, जो मैंने आपसे पूछा था हीटर क्यों लगाया, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन होती है मरीन इंटरव्यू में टीएमई के लिए। हीटर हम लोगों ने यहाँ पर क्यों इंट्रोड्यूस किया, प्यूरीफायर से पहले ना, हमारी हीटर क्या करेगी, जो भी हमारी स्टीम ऑपरेटेड हीटर होगी, हमारी जो भी हमारी फ्यूल ऑयल आएगी, उसे वो क्या करेगी, हीट करेगी, मीन्स उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगी। अगर हमारी टेम्परेचर इंक्रीज होगी, तो हमारी क्या होगी, उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, हमारी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी
अगर हमारी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो सेपरेशंस वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारी सेपरेशंस वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जो भी हमारी वाटर पार्टिकल्स सेल होंगी तो वो हमारी बेटर तरीके से सेपरेट होगी, गॉट इट, वो हमारी बेटर तरीके से सेपरेट होगी तो इजीली वहां पर मींस इफेक्टिव सेपरेशंस होगी। इसलिए मैंने आपको इक्वेशंस डिराइव किया और मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने हीटर क्यों लगाया है। नाउ सेकंड थिंग, इतना आपको क्लियर होगा, अगर हमारी टेम्परेचर इंक्रीज होगी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी सेपरेशंस वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं, मैं ग्राफ बना रहा हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्सेस टेम्परेचर। ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जो हमारी होगी 0.991 है और जो वाटर जो है मैंने 1 लिया है और ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है और ये हमारी टेम्परेचर है। तो एट 15 डिग्री सेल्सियस, एट 15 डिग्री सेल्सियस पर जो डिफरेंस इन जो डेंसिटी है, डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ऑयल, हमारी डेंसिटी ऑफ ऑयल है और ये हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, सपोज ये हमारी ए कंसीडर मैं करता हूं। नाउ हम लोगों ने क्या किया, हीटर से हम लोगों ने हीट किया, मींस हमारी ऑयल हीट हुई है। अब हमारी हीटर से हमारी सपोज 95 डिग्री सेल्सियस तक हम लोगों ने हीट किया, तो इसकी जो ग्राफ आएगी, जब हमारी ग्राफ आएगी हमारी कैसे होगी, हमारी ग्राफ ये होगी। हमारी ग्राफ होगी मींस स्टार्टिंग में हमारी ये दोनों डिफरेंस है, मींस डिफरेंस ऑफ वाटर माइनस ऑयल डेंसिटी। अब हमारी क्या होगी, ये हो चुकी है, मींस हमारी कुछ अमाउंट इंक्रीज हुई है। अगर ये हमारी क्या थी, ये आप देख सकते हो हमारी ए है, ओके ये हमारी ए है, मींस हमारी एक्स अमाउंट हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई है कुछ, मींस ए प्लस एक्स, मींस हमारी क्या है डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर हमारी इंक्रीज हुई है, डिफरेंस दोनों की इंक्रीज हुई है। ये फैक्टर हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई है। अगर ये फैक्टर हमारी इंक्रीज होगी तो हमारी बेटर सेपरेशंस फोर्स होगी, हमारी सेपरेशंस फोर्स इंक्रीज होगी जिससे हमारी क्या होगी, इजीली हमारी जो भी पार्टिकल्स है, जो भी हमारी वाटर पार्टिकल्स है, हमारी इजीली सेपरेट हो पाएगी। ओके तो ये हमारी कॉन्सेप्ट होती है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो हमारी सेपरेशंस फोर्स होती है ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारी क्या होती है, Fs इज इक्वल टू पाई बाय 6 डी क्यूब इंटू डिफरेंस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ऑयल इंटू जी। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोगों ने दो केस लेंगे। ओके फर्स्ट केस जो हमारी होगी सेपरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लेकर चलता हूं, एंड सेकेंड केस जो मैं लूंगा सेपरेशन ड्यू टू रोटेशन, दो केस मैं लेकर चला हूं। ओके नाउ अब यहां पर हमारी क्या होगी, जो हमारी g है मींस हमारी सेपरेशंस फर्स्ट केस में हमारी क्या हो रही है, सेपरेशन ड्यू टू मींस ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी यहां पर क्या है, जो भी हमारी ऑयल फीड हो रही है उसके साथ हमारी इंप्योरिटीज है, सॉलिड इंप्योरिटीज भी, हमारी लिक्विड इंप्योरिटीज भी है, तो विथ टाइम हमारी जो भी डेंसर होगी मींस हमारी जो हाई डेंस पार्टिकल होगी वो हमारी नीचे एक्युमुलेट होगी बॉटम पर, लाइक हमारी सॉलिड इंप्योरिटीज एंड सम लिक्विड इंप्योरिटी। अब हमारी सबसे बॉटम पे हमारी सॉलिड इंप्योरिटीज होगी, उसके ऊपर लेयर पे हमारी लिक्विड इंप्योरिटीज होगी, एंड देन हमारी टॉप पर हमारी ऑयल होगी। बट ये जो हमारी प्रोसेस होती है ये हमारी स्लो प्रोसेस होती है एंड ये हमारी इफेक्टिवली हमारी सेपरेट नहीं कर पाती है। ओके नाउ व्हाट वी कैन डू, मैंने जी रिमूव कर दिया और यहां पर मैंने इस सिलेंडर को मैं रोटेट किया, इस सिलेंडर को मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, इसे मैं रोटेट करूंगा, तो हमारी जी जो है वो हमारी रिप्लेस हो सकती है ओमेगा स्क्वायर आर से। अब मैंने जी को रिप्लेस कर चुका हूं ओमेगा स्क्वायर आर से। नाउ अब हमारी क्या क्या हो सकती है, ये हमारी रोटेट हो रही है। ओके नाउ अब जो हमारी ऑयल आएगी, अब हमारी ऑयल आएगी तो यहां पर जो हमारी इंप्योरिटी ऑयल आ रही है तो यहां पर इस ऑयल पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगे ड्यू टू रोटेशन, फर्स्ट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेकेंड फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमारी फर्स्ट फोर्स जो होगी, हमारी फोर्स ए जो हमारी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी एंड फोर्स बी जो हमारी होगी वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ओके
अब हमारी क्या है यहां पर ऑयल है, ये हमारी ऑयल है, गॉट इट। अब हमारी यहां पर ऑयल है, अब हमारी यहां पर क्या होगी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारी क्या करेगी, जो भी हमारी सॉलिड एंड लिक्विड इंप्यूरिटीज है, मीन जो हमारी हायर डेंसिटी इंप्यूरिटीज है, उसे ये क्या करेगी, जो सेंटर है, जो हमारी ये सेंटर है जो मैंने ड्रॉ किया हो, ये सारी चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा कंस्ट्रक्शनल डिटेल, जो हमारी सेंटर है उससे क्या करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी, जो भी हमारी सॉलिड एंड लिक्विड इंप्यूरिटी जो उससे अवे करेगी, सेंटर से हमारी आउट करेगी। ओके, तो आप देख सकते हो यहां पर हमारी वाटर होगी, यहां पर हमारी वाटर होगी। ओके नाउ, एंड जो पेरिफेरी पे, जो हमारी प्यूरिफायर की पेरिफेरी पे, हमारे प्यूरिफायर की पेरिफेरी पे हमारी स्लज होगी। मैंने इस ऑर्डर में क्यों लिखा, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ स्लज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये वो फॉलो करेंगे। तो जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगी उसकी क्या काम है, जो भी हमारी सॉलिड एंड लिक्विड इंप्यूरिटी जो सेंटर से वो अवे करेगी, तो हमारी वाटर हमारी स्लज एंड ऑयल के बीच हमारी वाटर होगी, एंड पेरिफेरी पे हमारी स्लज होगी। गॉट इट नाउ। अब जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो हमारी क्या करेगी, ऑयल को पुश करेगी टुवर्ड्स द सेंटर, तो हमारी ऑयल यहां पर एक्युमुलेट होगी। यहां पर दो फोर्सेस एक्ट होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। गॉट इट नाउ। अगर अब हम इस डायग्राम में देखें तो जो भी हमारी ऑयल जो होगी वो हमारी ऑयल जो होगी हमारी सेंटर के अलोंग, और ये हमारी आप देख सकते हो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके, हमारी डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हमारी टॉप डिस्क, ये हमारी टॉप डिस्क है, और ये हमारी डिस्क स्टैक है। इन सारी कंस्ट्रक्शनल डिटेल मैं लेस्ट लेक्चर में बताऊंगा जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोस होगी। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हमारी जो पार्टिकल्स होती है, ओके, जो ऑयल पार्टिकल्स होती है वहां पर हमारी फोर्सेस एक्ट होती है। तो सपोज ये हमारी डिस्क स्टैक है, आप जो देख रहे हो ये हमारी डिस्क स्टैक है। सपोज मैं यहाँ डिस्क स्टैक कंसीडर करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये हमारी अरेंजमेंट हमारी कैसे है, ये हमारी डिस्क स्टैक है। ओके, ये हमारी डिस्क स्टैक है। ओके, अब ये हमारी रोटेटिंग नेचर की है, मीन्स ये हमारी प्यूरिफायर की हमारी रोटेट हो रही है। ओके, तो हमारी रोटेटिंग नेचर की है। अब हमारी क्या होती है, ऑयल जो होती है हमारी बॉटम से हमारी डिस्क स्टैक के थ्रू हमारी, ये हमारी ऑयल है। ओके, तो हमारी सपोज ये हमारी पार्टिकल्स है। तो यहां पर जो होती है, यहां पर दो फोर्सेस एक्ट हो रही है, मींस यहां पर जो पार्टिकल्स है यहां पर दो फोर्सेस एक्ट हो रही है। फर्स्ट फोर्स हमारी क्या है, एक हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक जो हमारी है ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एंड सेकेंड जो फोर्स होगी हमारी, सेकेंड फोर्स होगी वो फ्लो वेलोसिटी, मींस हमारी पैरेलल हमारी फ्लो जो होगी वो हमारी पैरेलल टू डिस्क स्टैक होगी, डिस्क सरफेस के पैरेलल होगी। ओके, तो जो हमारी रिजल्टेंट जो होगी, ओके, जो हमारी रिजल्टेंट जो होगी, आप देख सकते हो हमारी रिजल्टेंट जो होगी हमारी इसकी बॉटम सरफेस पे, जो डिस्क सरफेस की बॉटम पे हमारी स्ट्राइक करेगी, ये हमारी रिजल्टेंट होगी, मींस हमारे ड्रॉपलेट्स यहां पर स्ट्राइक किया, मींस यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो चुकी है वेलोसिटी। अब ये हमारी क्या करेगी, स्लाइड डाउन हो जाएगी, मींस ये हमारी क्या होगी, ये स्लाइड हो जाएगी, और ये हमारी क्या होगी, पेरिफेरी पे एक्युमुलेट होगी। तो ये हमारी पेरिफेरी है, यहां पर हमारी एक्युमुलेट होगी, और ये आप देख सकते हो ऑयल पार्टिकल्स, यहां पर भी हमारी सेम कॉन्सेप्ट्स होगी। ये हमारी क्या होगी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, एंड एक हमारी अलोंग विद वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मींस हमारी जो भी हमारी डिस्क सरफेस के फ्लो वेलोसिटी के पैरेलल होगी, एंड अगेन हमारी पार्टिकल स्ट्राइक करेगी, वेलोसिटी जीरो होगी, एंड अगेन ये स्लाइड डाउन होगी, हमारी पेरिफेरी पे हमारी स्लज एंड वाटर हमारी एक्युमुलेट होगी। तो ये मैंने आपको फोर्स दिखाया कैसे हमारी पार्टिकल स्ट्राइक करती है विद वेलोसिटी जीरो होती है, कैसे हमारी वो स्लाइड डाउन होती है। ओके, एंड सेकेंड थिंग, अब जहां पर हमारी जो भी हमारी प्रेशर प्रेशर ऑफ ऑयल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर होती है, और मींस जहां पर हमारी सेपरेशन मीट करती है, मींस सेपरेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ऑयल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर होती है, उस पॉइंट को हम इंटरफेस करते हैं, उस पॉइंट को हम इंटरफेस करते हैं। और फुलेस्ट एडवांटेज हमारी कहां होती है, हमारी जो
ये इंटरफेस हमारी अगर यहाँ होगी तो उसकी फुल एडवांटेजेज होगी, वो मैं सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इंटरफेस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है उन सारी चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे। लाइक इंटरफेस हमारी डेंसिटी पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, थ्रोपुट पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, इन सारी चीजों पर हमारी जो इंटरफेस होती है वो हमारी डिपेंड करती है। ओके, तो वो प्रूफ भी हो सकती है। आप देख सकते हो ये मैंने डायग्राम बनाया है, तो मैं आपको प्रूफ करता हूँ। एक इक्वेशन होती है जो हमारी सेटलिंग टैंक मैनोमीटर यूट्यूब से इक्वेशन ऑब्टेंड होती है, वो इक्वेशन ऑब्टेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वो इक्वेशन आपको लिखता हूँ। जो हमारी इक्वेशन होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू ई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जो हमारी ई स्क्वायर है ये हमारी ई, आप देख सकते हो ये हमारी ई स्क्वायर हमारी मीन रेडियस है। ओके, ये हमारी सेंटर एंड हमारी डिस्क स्टैक की सेंटर की हमारी मीन रेडियस है, ये हमारी ई, तो मैंने ई लिखा है यहाँ पर। एंड जो एल जो है हमारी, जो एल मैंने यहाँ पर शो किया है, हमारी ऑयल आउटलेट की रेडियस है एल। नाउ इज इक्वल टू हमारी इंटरफेस कब होगी, जब दो फोर्स इक्विलिब्रियम पर आएगी। ओके, तो हमारी ये होगी ओमेगा स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू E स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। नाउ एच स्क्वायर हमारी क्या है, हमारी वाटर आउटलेट की रेडियस होगी एच स्क्वायर। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी बंकरिंग होती है, सपोज हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हमारी इंक्रीज होगी। ओके, हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हमारी इंक्रीज होगी, हमारी ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर तो हमारी कट हो जाती है। ओके, हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हमारी इंक्रीज होगी, डेंसिटी हमारी इंक्रीज होगी, तो हमारी जो LHS होगी वो हमारी इंक्रीज हो चुकी है। वॉट इट, हमारी LHS इंक्रीज हो चुकी है, बट डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी फिक्स है, हमें मीन रेडियस हमें सेम रखना है। ओके, इंटरफेस हमें मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखना है, तब हमारी क्या हुई, क्योंकि अगर हमारी इंटरफेस अगर टुवर्ड्स लेफ्ट मींस एक्सट्रीम लेफ्ट अगर शिफ्ट होती है एंड अगर हमारी एक्सट्रीम राइट शिफ्ट होती है तो वहां पर हमारी कुछ मींस ओवरफ्लो हो सकती है, कुछ जो भी हमारी रीजन होगी, ये सारी चीजों को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। समटाइम्स केस हमारी केसेस ऐसे होती है, ऑयल विथ वाटर भी जा सकते हैं, वाटर विथ ऑयल भी हमारी आ सकती है, तो हमारी ओवरफ्लो होने से इसलिए हमारी इंटरफेस को हम क्या करते हैं, एक इक्विलिब्रियम पोजिशन पे हमें मेंटेन करनी होती है। ओके, वो हर चीज मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी लेक्चर से मैं आपको हर चीज डिस्कस किया तो लेक्चर बहुत ही लंबी हो जाएगी। ओके, तो हमारी ई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो हमारी यहाँ पर ये टर्म हमारी इंक्रीज हो चुकी है LHS साइड, हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स है, हमें ई लाइन फिक्स रखनी है, तो हम क्या करेंगे, एच को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अगर हम एच को डिक्रीज करेंगे मीन्स हमारी वाटर आउटलेट रेडियस अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हमारी RHS क्या होगी, हमारी इंक्रीज कर जाएगी, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम पर हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या LHS हमारी इंक्रीज हो गई थी, अब हमें RHS हमारी डिक्रीज हो चुकी थी ऑटोमेटिकली, तो हम RHS को भी हमें इंक्रीज करना है, तो हम एज क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारी ग्रेविटी डिस्क रिस्पॉन्सिबल होती है और डैम रिंग। और इस कॉन्सेप्ट पे हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे, हमारी कंस्ट्रक्शन डिटेल वहां पढ़ेंगे, कैसे हमारी ऑयल फीड की जाती है, ऑपरेटिंग वाटर क्या होती है, सीलिंग वाटर क्या होती है, डिसलजिंग वाटर क्या होती है, इन सारी चीजों पे मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ब्रीफली एंड क्रिस्टल क्लियर आपको डिस्कस करके बताऊंगा। सो आज की लेक्चर्स मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मरीन ऑयल प्यूरिफायर की लेक्चर सीरीज पे बने रहे, ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगी ये आपको अच्छे से क्लियर होगी। एंड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है, आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी मशीन्स प्रेजेंट ऑन बोर्ड शिप्स, एंड द आंसर इज प्यूरिफायर। हमारी आंसर होती है प्यूरिफायर, एंड उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे प्यूरिफायर में क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। एंड अगर आप ये लेक्चर सीरीज मरीन ऑयल प्यूरिफायर की देखते हो तो आप उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप इंटरव्यू में सक्सेसफुली दे पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।